राजनांदगांव आग फोड़वा कांड की जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि एक इंजेक्शन की खराबी की वजह से 35 मरीजों के आंख की रोशनी गई और इस इंजेक्शन में बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा पाए जाने की वजह से मरीजों की आंख में खराबी आई थी। मामले का खुलासा होने के बाद मरीजों को लगाए गए इंजेक्शन एम्बीडेक्सा को पूरी छत्तीसगढ़ में बैन कर दिया गया है, क्योंकि इंजेक्शन में सीडियोमोनोस पायोसाइवर्स नामक बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में मौजूद है। सभी अस्पतालों और दवा दुकानों से इंजेक्शन वापस लेने के निर्देश दे दिए गए। आपको बता दें कि 23 फरवरी को शहर के प्राइवेट अस्पताल क्रिश्चियन फेलोशिप में लगभग 45 लोगों की आंखों का ऑपरेशन 3 डॉक्टरों ने किया था और इसके बाद 35 मरीजों की आंख की रोशनी चली गई और जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग उठ रही थी। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने भी राहत की सांस ली।